बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के भांजे विनय आनंद ने सलमान खान पर तंज कसा था कि वो लोग अपने शो में द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने के लिए नहीं बुलाते हैं तो उन्हें कैसे बुलाएंगे, जबकि उनकी सलमान खान के शो में आने की काफी इच्छा रही है। ऐसे में अब एक्टर विनय ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है, मगर इस बार उन्होंने इस मामले को लेकर अपनी सफाई दी है और कहा है कि मैं अपने सीनियर्स की इज्जत करता हूं। विनय आनंद ने कू ऐप पर एक और पोस्ट शेयर किया है, उन्होंने लिखा है, मैं मीडिया से कहना चाहूंगा मैं अपने सीनियर्स की बहुत इज्जत करता हूं, चाहे वो गोविंदा जी हो या सलमान खान जी। कोशिश करूंगा कि मेरी फिल्म मकान रियलिटी शोज पर प्रमोट हो। उम्मीद करता हूं कि मेरी फिल्म को कपिल शर्मा शो और बिग बॉस पर प्रमोशन मिले। अगर किसी कारणवश नहीं मिला तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे अपनी फिल्म और जनता पर पूरा विश्वास है कि वो लोग मेरी फिल्म जरूर देखेंगे। मेरी फिल्म की डबिंग शुरू हो चुकी है और जैसी बनी है आप लोगों को पसंद आएगी। दरअसल विजय आनंद ने पहले सलमान खान और द कपिल शर्मा शो पर तंज कसा था और उन्होंने लिखा था, किसी ने मुझसे कहा कि आप कपिल शर्मा शो में अपनी आने वाली फिल्म का प्रमोशन करना, तो मैंने उन्हें कहा, जिन लोगों ने आज तक मुझे अपने शो पर गेस्ट नहीं बुलाया वो लोग मेरी फिल्म का प्रमोशन करेंगे। ये लोग कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों का प्रमोशन नहीं करते तो मेरी फिल्म का करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। मैं खुद इस शो को पसंद करता हूँ। दुख की बात तो ये है कि बिग बॉस शो में भी मुझे कभी नहीं बुलाया गया जब मैं जाना चाहता था, जबकि ये दोनों शो के निर्माता सलमान खान जी ही हैं। हालांकि आपको बता दें, एक्टर विनय ने कुछ देर बाद ही इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था और अब इस प्रकार एक्टर विनय आनंद ये चाहते हैं कि सलमान खान उनकी फिल्म का प्रमोशन अपने शोज पर करने दें और इसी वजह से वो सलमान खान अपने सीनियर्स गोविंदा सब की रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी खबर पर? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।